अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे मे माइट के रिमेनिंग पार्ट्स को। वी हैव कम्प्लीटेड टू पार्ट्स ऑफ मे माइट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द थर्ड पार्ट, विच इज़ पार्ट थ्री। में आप देखोगे दिस वे ऑफ कंस्ट्रक्शन गिव्स द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव इन पॉसिबिलिटीज़। यानी जब हम मे माइट की बात करते हैं तो हम 100% श्योर नहीं होते कि सही बात या गलत। हम कहते हैं शायद वो आएगी, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो। तो उसके कुछ पार्ट्स है, पार्ट्स हम जब समझते हैं तो हम टेंस के अकॉर्डिंग इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। पार्ट वन और पार्ट टू को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम पार्ट थ्री पे बात करते हैं। पार्ट थ्री में ऐसा सेंटेंस जो शायद के साथ हो, और उसमें आपको दिखेंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर प्रोग्रेसिव के साथ आपका सेंटेंस आपको लग रहा है शायद के साथ है, तो आप उसमें यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला वो है सब्जेक्ट। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट मे और माइट। मे और माइट का मतलब मे, या आप माइट लिखेंगे। मे आप यूज़ करेंगे अगर आप 50% चांसेस की बात कर रहे हैं तो आपने मे यूज़ करना है, अगर 30% के चांसेस हैं तो आपने माइट यूज़ करना है। क्योंकि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव शोज़ द गोइंग ऑन एक्शन। तो गोइंग ऑन एक्शन के लिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपेट की नीड होती है, जिसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। और मॉडल वर्ब कहता है कि मॉडल वर्ब के डायरेक्टली बात आना चाहिए V1। तो इन दोनों केसेस को सामने रखते हुए मे माइट के बाद हम लगाएंगे बी एज अ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद जो आप वर्ब लगाओगे वो होगा आईएनजी के साथ। दैट्स ऑल, इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट है। आप रहा रहिए, आपने पता है कि आईएनजी लगाना है और मॉडल के बाद V1 लगता है, तो इसी को आपने माइंड में रखते हुए फॉर्मूले को याद रखना है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट मे और माइट बी, V1 विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए मे और माइट के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर बी लिखना है और आईएनजी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और फिर नेगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मे माइट के लिए हम जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो मे माइट को शुरू में नहीं लेकर आते। इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो होता है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट लाइकली टू। इज एम आर का मतलब सब्जेक्ट को देखकर आपने इज़ या एम या आर यूज़ करना है, फिर लाइकली टू बी और V1 आईएनजी के साथ लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास शायद वो क्लास ले रही है, तो रहा रही शो करता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है। लेकिन अगर इसके साथ आप शायद लगा दें तो ये मॉडल का बन गया। मॉडल की वजह से हम इसमें यूज़ करेंगे मे और माइट को, क्योंकि शायद का सेंटेंस है। तो शायद वो क्लास ले रही है, सब्जेक्ट इज शी, शी मे बी टेकिंग क्लास। तो वेरी इजी, आपने देखा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था और शायद के साथ था, मे यूज़ किया, बी यूज़ करेंगे और फिर V1 आईएनजी। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है शायद मैं 5 बजे क्लास ले रहा हूँगा, ले रहा हूँगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है। शायद हटा दूँ तो एक्टिवाइज का पूरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शायद लगाने के बाद ये चेंज हो गया, ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई, मैं 5 बजे क्लास ले रहा हूँगा, तो आई माइट बी, मे या माइट दोनों से मैंने सेंटेंस बना दिए, आई माइट बी टेकिंग क्लास एट 5। क्या वो इस वक्त क्लास ले रही होगी, तो क्या का सेंटेंस का मतलब है इंट्रोगेटिव, तो हम इसे यूज़ करेंगे इज शी लाइकली टू बी टेकिंग क्लास राइट नाउ। तो पार्ट थ्री इज़ वेरी इजी, आपने बस याद रखना है अगर फ्यूचर प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है मॉडल वर्ब का, तो आप माइंड में फॉर्मूला लगाएं और अपने सेंटेंस में देखें सब्जेक्ट क्या है, क्या वर्ब है और कौन सा कैसे इसे बनाना है। इस तरह से आप बना सकते हैं पार्ट थ्री को। पार्ट फोर में देखेंगे दिस वे ऑफ कंस्ट्रक्शन गिव्स द सेंस ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंस देता है। इसका मतलब है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हो या पास्ट प्रोग्रेसिव का हो, तो आपने यूज़ करना है इस फॉर्मूले को जो है सब्जेक्ट मे माइट हैव बीन और आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसको याद रखने का सबसे ईजी तरीका यह है कि जैसे आपने पार्ट थ्री को भी स्टडी किया तो आपने देखा कि उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही थी, आप उसी को पास्ट में कर लें। यानी अगर आप पास्ट करते हैं तो मे का पास्ट होता है मे हैव के बाद आपने लगाना होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और चूंकि इसमें प्रोग्रेसिव की बात हो रही है तो हमें आईएनजी वर्ब के साथ लगाना है, तो हम वो बीन के बाद लगाएंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल। और नेगेटिव के लिए याद रखें मे माइट के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर हैव बीन लिखना है, और इंट्रोगेटिव में आप सबसे पहले लिखेंगे इज एम आर सब्जेक्ट लाइकली टू हैव बीन और आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट लिखना है इंट्रोगेटिव में। एग्जांपल से समझते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल शायद वो उस वक्त क्लास ले रहा था शो करता है पास्ट प्रोग्रेसिव को. तो पास्ट प्रोग्रेसिव में हम लोग अगर हम सिर्फ वो उस वक्त क्लास ले रहा था तो हम देखें तो ही वॉज टेकिंग क्लास राइट नाउ या एट दैट टाइम. तो लेकिन शायद लगाने की वजह से ये पूरा सेंटेंस चला गया है मॉडल वर्ब में. तो मॉडल वर्ब जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें लगाना पड़ता है शायद के लिए मे, और अगर टेंस आ जाए रहा था, रहा शोज द गोइंग ऑन एक्शन, तो हमें आईएनजी भी लगाना और ऊपर से ये पास्ट भी है. तो हम क्या करें, तो मे के बाद हमने लगाया पास्ट के लिए हैव, तो हैव शो करता है पास्ट को. अब हैव के बाद हमें लगाना पड़ता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो है बी का पास्ट हो गया बीन, और यहाँ पर बी वन लगाएंगे आई एन जी के लिए, तो ये गोइंग ऑन एक्शन को शो करेगा. तो ही मे हैव बीन टेकिंग क्लास एट दैट टाइम. सेकेंड सेंटेंस है शायद वो तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा है. सुबह से इंतज़ार कर रहा है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है जिसमें सेंस ऑफ फोर को यूज़ करते हैं. सेम है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो शायद के साथ है, तो ही मे या ही माइट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. अगर दो क्लॉजेज आ जाएँ तो क्या करें, अगर पास्ट की कोई बात होती है और उसमें आप दो क्लॉजेज देखते हैं तो हम जो शायद एक क्लॉज है जो डॉक्टर के आने से पहले से हम बनाएंगे पास्ट सिंपल में, और दूसरे क्लॉज को हम शायद के साथ बनाएंगे. शायद मरीज दर्द से तड़प रहा था डॉक्टर के आने से पहले. तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, हम पहले बनाते हैं कि शायद मरीज दर्द से तड़प रहा था. पेशेंट मे हैव बीन राइजिंग इन पेन बिफोर द डॉक्टर केम. तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हों तो आपने याद रखना है कि सेकेंड क्लॉज जो है वो किस टेंस में हमने बनाना है. जब भी दो क्लॉजेज होते हैं तो फ्यूचर की बात हो तो हम इसे प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, अगर कोई पास्ट की बात आपको दिख रही है तो इसे हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं. लास्ट सेंटेंस है, क्या ये मुमकिन था कि वो मेरे आने से पहले झूठ बोल रही थी. एक्चुअली इंग्लिश को आप सेंस से बनाया करें, तो आप यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इज शी लाइकली टू हैव बीन टेलिंग अ लाई बिफोर आई केम. यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, और ये याद रखें कि मे और माइट में हमेशा हम हिज इज एम आर और सब्जेक्ट लाइकली टू के साथ यूज़ करते हैं. चूँकि ये इसमें आपको हैव बीन दिख रहा है तो लाइकली टू के बाद आपने हैव बीन और फिर वी वन आई एन जी के साथ लगाना है. जब आप स्टडी करने के लिए बैठे तो मॉडल वर्ब के आप अगर मे और माइट को स्टडी कर रहे हैं तो पहले पार्ट वन टू को रिवाइज करें, फिर आप आगे पार्ट थ्री और पार्ट फोर को पढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे. थैंक यू.